तो वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी बच्चे इस समय 11th के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। आपको इससे पहले बताया गया था कि 10 तारीख के आसपास आपको हाईकोर्ट ने जो CET एग्ज़ाम्स 11th के एडमिशन के लिए होने वाला था, वह आपको CET एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों के मन में ये सवाल आया कि अब 11th ऑनलाइन एडमिशन होगा कैसे। तो 11th ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आपको 8 अगस्त को एक सर्कुलर आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि 11th के एडमिशन की प्रोसेस जो है वह 16 अगस्त से स्टार्ट की जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के आपको जब उन्होंने CET एग्ज़ाम्स कैंसिल किया, तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार उन्हें 48 घंटे में 11th के एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कहा गया था। तो यानी कि 10 बीत जाने के बाद अगर 12 तारीख या 13 तारीख, यानी कि 13 अगस्त से आपको शुरू होने की संभावना पूरी तरह से है। अभी तक वेबसाइट पर आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज यानी कि 13 अगस्त के शाम तक या दोपहर तक आपको उसकी प्रोसेस की पूरी शेड्यूल आ जाएगी। और किस वेबसाइट पर आएगी उसके बारे में मैं आपको पूरे वीडियो में इसमें बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए अगर आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस को समझना है। और चैनल पर नया है तो दोस्त जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग जाए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। तो हम लोग आज देखेंगे 11th के ऑनलाइन एडमिशन जो 16 अगस्त को स्टार्ट होने वाला था, वह 13 अगस्त से शुरू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशानुसार उन्हें 13 अगस्त से शुरू करना ही पड़ेगा। तो कैसे हम लोग ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट कौन है, और आपको उसको लिए कैसे उसमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पार्ट 1 पार्ट 2, ये 3 चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सर्कुलर दिखा दूँ 8 अगस्त के। तो देखा जाए तो 8 अगस्त का यहाँ जो सर्कुलर है उसमें आपको बताया गया था कि ये जो एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी, ये 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब इसे हाईकोर्ट के आदेशानुसार जल्द ही स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। 48 घंटे का उन्हें टाइम दिया गया था, यानी कि आपको यह 13 अगस्त के शाम तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे आपको क्या करना पड़ेगा 11th ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम में आप जाएंगे, गूगल क्रोम में या गूगल में आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है आपको, 11th, देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट लिखा गया है 11thadmission.org.in, ये आप टाइप करके क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। और जब इसे आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो आपको आता है 11th एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो 3 डॉट दिया है, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट आ जाएगा। डेस्कटॉप साइट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन से रीजन में आपको ऑनलाइन एडमिशन होगा वो बताया गया है। एक तो मुंबई, जो बच्चे मुंबई में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन है, पुणे में रहने वाले, नागपुर में रहने वाले, नासिक में रहने वाले, अमरावती, ये लोग बच्चे लोग सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं अन्य ज़िलों के बच्चे महाराष्ट्र के, वो सारे ऑफलाइन यानी कि कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये 6 रीजन जो यहाँ आपको बताया गया है, ये आपको 5 रीजन या आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन ही लिया जाएगा। तो जैसे आप मुंबई के बच्चे हैं तो मुंबई वाले रीजन को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप मुंबई रीजन को क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम में आपको यहाँ देखना है कि रिवाइज शेड्यूल फॉर 11th एडमिशन प्रोसेस पार्ट 1, ये 8 अगस्त का है, लेकिन अभी आपको इसको चेंज किया गया है। ये एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आके समय समय पे क्लिक करते चेक करना पड़ेगा कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं। फिलहाल अभी आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इससे पहले देखिए बच्चों, आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर लॉगिन करने के बजाय यहाँ पे आपको क्या रहता था, यहाँ पे देखिए नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ एडमिशन शेड्यूल, ये भी अभी आपको अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब पार्ट 1 भरना है, कब पार्ट 2 भरना है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी नोटिफिकेशन वहाँ से नहीं आया है, आज शाम तक आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको इस वेबसाइट पर आकर के समय समय पर चेक करते रहेंगे। इसके बाद इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी एक बुक आता है, उस बुक को डाउनलोड करके आप उस पूरे एडमिशन के बारे में पढ़ सकते हैं। यूजर मैनुअल,
यानी कि जो भी आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या आपको प्रोसेस में मैनुअल है वो आपके बारे में। और यहाँ देखिए नीचे एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप इस साल लॉन्च हुआ है, ये मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है और आपको यहीं से डाउनलोड करना है, यानी कि आप ऐप के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, एलिवेंट एडमिशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है और ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि इस पर अभी काम किया जा रहा है। तो जल्द से इस पर काम होने के बाद आपको इस पर मोबाइल ऐप पर भी क्या करना पड़ेगा, मोबाइल ऐप से भी क्या कर सकते हैं आप, इलेवंथ एडमिशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको आज शाम तक इन्फॉर्मेशन आने की पूरी संभावना है और आज शाम से आपको इलेवंथ के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसको देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पे कोई डाउट आएगा तो इसका वीडियो जैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल अभी आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन का यहाँ अपडेट नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले वहाँ पर डेमो रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम था तो वहाँ पर आप क्या कर सकते थे, डेमो यानी कि प्रैक्टिस कर सकते थे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी उसे क्या किया गया, हटा दिया गया है। ओके, तो इस वेबसाइट पे आप समय समय पे आके चेक करते रहिए कि आपको शेड्यूल आया है कि नहीं। एडमिशन शेड्यूल जब आ जाएगा उसी हिसाब से आपको क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट वन फॉर्म भरना है, पार्ट टू फॉर्म भरना है। ओके, तो समय समय पे मैं आपको जानकारी भी देते रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आपको मैंने वेबसाइट बता दिया, यहीं पर आपको आपको क्या करना है, समय समय पर नोटिफिकेशन चेक करते रहना है कि कौन सा शेड्यूल आया है। ओके, तो आज शाम तक मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा, नहीं तो कल से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को पूरी अच्छी तरीके से समझ करके अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट वन पार्ट टू फॉर्म ज़रूर भरना है। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।